आपका मीनाक्षी किचन में आज हम बनाएंगे मटर मशरूम की सब्जी। तो उसके लिए लगेंगे, तो मैं बारीक बारीक मशरूम काट लेती हूँ। और मेरे पास ये कुछ मटर हैं जो कि मैंने फ्रीज किए हुए हैं। तो लिया हमने मशरूम, एक कटोरी मटर, दो प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है मैंने, दो टमाटर का पेस्ट है। इसके लिए लिया है मैंने आधा चम्मच जीरा, एक किचन की, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक और इसमें दो चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। ये सरसों का तेल है, मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। तेल गरम हो चुका है, इसको अच्छे से तेल को गरम कर लेना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, जब ये जीरा कड़कने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन प्याज का पेस्ट। मैंने इनको मोटा मोटा ही पीसा है, ज्यादा बारीक नहीं किया। अब प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए प्याज अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूं। और इसी में ही मैं ये अपने सारे मसाले डाल दूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ, ये सिर्फ इससे रंग अच्छा आता है, बाकी चीज नहीं। ये किचन किंग डाला मैंने और ये सूखा डाला। अब सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला जब भुन जाता है तो ये अपने आप तेल छोड़ देता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला भुन गया है अच्छे से, अब मैं इसमें डालूंगी मटर। और अब डालूंगी मशरूम। मेरे पास थोड़े मखाने भी हैं, इसमें चाहें तो मखाने डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो हम इसको बिल्कुल सेम पर करके पकने देंगे। इसको ढक देती हूँ और इसको 10 मिनट पक लेती हूँ। ये मशरूम सभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहें, अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। 2 मिनट और मैं इसको ढक के रखूँगी। मशरूम की सब हमने इसमें बनाऊंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, दो चम्मच की इसको चलाते रहेंगे 2 सेकंड के लिए, जिससे कि ना फटे। अब इसमें डालेंगे धनिया और ये तैयार है हमारी मटर मशरूम। इतनी बढ़िया बन रही है, मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए ये मटर मशरूम की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, कितना बढ़िया रंग आया है इसका। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी अपने घर में बनाइए
अगर ये मटर मशरूम की सब्जी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी अपने घर में बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।